चिन्त्योऽयं विकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वामन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तो शोक करने को योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त अर्जुन। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है।